नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद। आप आयुर्वेद के आज के कॉलेज सीरीज में हम बात करेंगे IPGT आरे जामनगर, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। आज मैं इस कॉलेज में क्या हिस्ट्री है इसका, किस किस कोर्सेज की पढ़ाई होती है और क्या स्टाइपेंड है और क्या फीस है, सबकी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले कॉलेज सीरीज में हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, NIA और VHU, इन सब का वीडियो बना चुके हैं। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में इन सब कॉलेज के बारे में पूछते रहते हैं, वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो घंटी का बटन होता है वो दबा दें। तो हम शुरू करते हैं आज का कॉलेज सीरीज। तो IPGT एंड RA जामनगर, ये सिचुएटेड है GG हॉस्पिटल रोड जामनगर गुजरात में। एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब मैं इस संस्थान का इतिहास क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 1952 में भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा CIRA की स्थापना की गई। 4 साल बाद 1956 में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर इन आयुर्वेदा गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही खोला गया 1956 में। 1962 में क्या हुआ कि CIRA और PGTCA, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर इन आयुर्वेद, दोनों को मर्ज करके इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च, इस संस्थान की स्थापना की गई। और इसका नाम IASR, इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च रखा गया। फिर 1963 में, एक साल के बाद, इस IASR का नाम बदल के इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा IPGT एंड RA कर दिया गया। ये तो थी इसके नाम के पीछे की कहानी। अब हम बताते हैं कि वर्ष 1970 में क्या हुआ कि भारत सरकार और गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि संस्थान के सारी चल अचल संपत्ति पर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का अधिकार होगा और इसका प्रबंधन भी GAU के अंतर्गत ही रहेगा। और इस संस्थान की सारी आर्थिक मानदेय जो होती है, मतलब इस संस्थान को जो फाइनेंस किया जाता है, पूरा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब बात हम कर लेते हैं सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सिंपल IT सेंटर कैंपस है, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सब जो एक सुविधा रहनी चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज की पढ़ाई यहाँ होती है। तो सबसे पहले यहाँ MD MS, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, 3 साल की वो होती है। PhD मिनिमम 2 साल की है, जिसकी अभी 2 साल। फिर MSc आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस में वो दो दो ईयर की है। फिर पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स भी है 1 ईयर की। फॉरेनर्स इंट्रोडक्टरी कोर्स इन आयुर्वेदा, जो कि फॉरेनर्स के लिए है, ये 3 मंथ का है। और सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स बहुत कोर्सेस में है। जैसे सर्टिफिकेट्स कोर्स है पंचकर्मा थेरेपिस्ट में, डायटिक इन आयुर्वेदा में, नाड़ी सूत्र में, डेंटिस्ट्री में और गृह आयुर्वेद में, इन सब में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होती है। और सर्टिफिकेट कोर्स 7 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, मतलब अलग अलग है। हम आगे बात करेंगे कि इन सब कोर्स में नामांकन पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो MD MS पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको BMS होना पड़ेगा। PhD 3 धाराओं में होती है, तो MD MS करके आप PhD कर सकते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट MSc में PhD के लिए आपको MSc करना होगा, और आयुर्वेदिक फार्मा साइंस में PhD के लिए आपको MPharma आयुर्वेदा से करना होगा। फिर आगे बात करते हैं कि MSc आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस में आपको BSc BAMS या BPharma करने के बाद इसमें आप एंट्रेंस दे सकते हैं। पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए 10th क्लास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के लिए होना, 10th के बाद आप पंचकर्मा टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी कोर्स इन आयुर्वेदा जो है फॉरेनर्स के लिए, या सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा, ये सब अगर आप फॉरेनर्स हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। यहाँ तक आगे बात हम जानते हैं कि किस कोर्सेस में कितनी सीट्स हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है PG के लिए, और PhD में कितनी कोर्सेस हैं बाकी सब में। तो अगर हम शुरू करें तो शुरू करते हैं हम MSc आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट में 15 सीट्स हैं। इंट्रोडक्टरी कोर्स इन आयुर्वेद में 10 सीट्स हैं, जो फॉरेनर्स के लिए हैं। पंचकर्मा टेक्नीशियंस में 15 सीट्स हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जितने इन पंचकर्मा और डायटिक में 10-10 सीट हैं।
अब हम बात करते हैं कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेस जितने थे तो झारखंड में दो सीट है, डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, ये डायरेक्ट पीजी कोर्स नहीं है, पीजी डिप्लोमा। तो पीजी डिप्लोमा में झारखंड में दो सीट्स, बाल रोग में 5 सीट, नेत्र रोग विज्ञान में 5 सीट्स हैं, रस शास्त्र भेषज कल्पना में 5 सीट है, आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड स्किन डिजीज में 2 सीट्स और प्रसूति और स्त्री रोग में 2 सीट है। तो ये बात हो गई पीजी डिप्लोमा की। आगे हम बात करते हैं कि पीजी एमडीएमएस में कितनी कोर्सेस है। तो टोटल 10 पीजी कोर्सेस में यहाँ एडमिशन होता है और उसमें अलग अलग कितना सीट है, टोटल सीट पहले हम बताएंगे, फिर ऑल इंडिया के लिए कितना सीट है वो भी हम बताएंगे। तो टोटल 53 है पीजी में सीट। आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में 6 सीट है, डीजीबी में 6 सीट है, कौमार वृत्त में 5 सीट है, काया चिकित्सा में 4, पंचकर्मा में 6, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में 6, रस शास्त्र भेषज कल्पना में 6, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में 3 सीट्स हैं, शालाक्य तंत्र में 6, शल्य तंत्र में 5। इस तरह से टोटल 53 सीट्स हैं। अब हम इस 53 सीट्स का सीट मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि इस 53 सीट में 44 सीट है स्टाइपेंडरी, जहां आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और 9 सीट है नॉन स्टाइपेंडरी, जो कि आप जहां जिस सीट के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहां आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उस 44 स्टाइपेंड सीट में 22 सीट आरक्षित है जो बच्चे गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से बीएमएस की पढ़ाई किए हैं उनके लिए, और 22 सीट जो है वो उन लोगों के लिए ऑल इंडिया के लिए ओपन सीट है। अब उस 22 सीट की बात करें तो उस 22 सीट में गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी 22 और नॉन जीएयू के जो है उनके लिए 22। अब इस 22 को भी बांटा गया है कि उसमें 12 सीट ही जनरल के लिए है, मात्र 12 सीट ऑल इंडिया जनरल के लिए 22 में, और 6 सीट ओबीसी के लिए, 3 सीट एससी के लिए और मात्र 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो 12 सीट है जो ओपन सीट ऑल इंडिया का है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से बीएमएस नहीं किए हैं उनके लिए। आगे हम बात करते हैं 9 सीट जो नॉन स्टाइपेंडरी सीट थे, जिस सीट पे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, उसमें 3 सीट हैं फॉरेनर्स के लिए, 3 नॉमिनीज हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात नॉमिनी करेगी और 3 नॉमिनीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। अब आगे हम बात करते हैं, इस तरह से मैंने जैसे 22 सीट ऑल इंडिया के लिए ओपन जो सीट है, उसके बाद हम आपको अलग अलग 10 कोर्सेस में कितनी सीट बचती हैं वो बता देता हूँ। तो अगर ऑल इंडिया की बात करें तो बस आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में टोटल 6 सीट थे, जिसमें 3 सीट ही ऑल इंडिया के लिए ओपन है, डीजीबी में 3 सीट, कौमारी वृत्त में 2 सीट, काया चिकित्सा में 2 सीट, पंचकर्मा में 2, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में 3, रस शास्त्र भेषज कल्पना में 2, रोग निदान में विकृति विज्ञान में मात्र 1 सीट है ऑल इंडिया के लिए ओपन, और शालाक्य तंत्र में 2 सीट ओपन है, और शल्य तंत्र में बस 2 सीट। तो इस तरह से आगे हम बात करते हैं कि पीएचडी में कितनी सीट है। तो आयुर्वेद पीएचडी करने में टोटल 20 सीट है, और आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट पे पीएचडी करने के 5 सीट्स हैं, और आयुर्वेदिक फार्मा साइंस में पीएचडी करने के 5 सीट हैं। तो इस तरह से सीट किस कोर्सेस में कितनी है ये क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे हम बात करते हैं फी और स्टाइपेंड की। तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसकी फ़ी है क्रमशः फर्स्ट ईयर का 28,000 पर एनम, सेकेंड ईयर का फ़ी है 25,000 पर एनम, और थर्ड ईयर का है 25,000 पर एनम। 28,000, 25,000 और 25,000, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। अब हम सबसे रोचक बात जान लेते हैं आप लोग का स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो स्टाइपेंड यहाँ मिलता है आपको फर्स्ट ईयर में 45,000 प्लस डीए पर मंथ, 45,000 पर मंथ प्लस डीए फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर का स्टाइपेंड है आपका 48,000, 48,000 पर एनम, सॉरी 48,000 पर मंथ, सॉरी। और थर्ड ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 52,000 पर मंथ, 52,000 पर मंथ, 52,000 प्रति महीने की प्लस डीए इसमें जोड़ लीजिए आप, ये हो गया स्टाइपेंड। आप एक बार और बोल देते हैं, 45,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 48,000 पर मंथ, और थर्ड ईयर में 52,000 प्लस डीए पर मंथ। अब आगे हम बात करते हैं कि पीएचडी में कितना स्टाइपेंड है। तो पीएचडी में आपका स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर में मिनिमम जो 2 साल की होती है 50,315, 50,315
प्लस डीए पर मंथ पीएचडी के फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 51,990 प्लस डीए सेकंड ईयर में पर मंथ 51,990 रुपये पर मंथ प्लस डीए, ये हो गया। अब इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का क्या क्या अचीवमेंट रहा है वो हम जान लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में से। तो बहुत अचीवमेंट है, एक मील का पत्थर साबित हो चुका है आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं जान लेता हूँ। तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और पहला देश का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि शॉर्ट टर्म रेगुलर आयुर्वेदिक कोर्स कराता है, फॉरेनर्स के लिए हो गया या अलग अलग लैब टेक्नीसियन के लिए हो गया, इन सब के लिए, पंचकर्मा टेक्नीसियन के लिए। और फिर पहला कोर्स है, पहला इंस्टीट्यूट है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एमएससी करवा रहा है। फिर इस इंस्टीट्यूट में फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर एएसयू ड्रग, पहला इंस्टीट्यूट है देश का जो कि इनिशिएट किया है फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर एएसयू ड्रग। और इस इंस्टीट्यूट में एनपीआरसी नेशनल फार्माकोविजिलेंस रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। अब एक और बात है कि 2014 के बीच जितने भी पीजी थेसिस यहाँ लिखे गए हैं सबका फुल स्क्रिप्ट थेसिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है इसके वेबसाइट पे। फिर डिजिटाइजेशन जो है कि 800 से ज़्यादा मेन्यूस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन अभी तक टिल डेट तक कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ऐसे बहुत से अचीवमेंट इस संस्थान के पास हैं। तो आशा करता हूँ इस संस्थान के बारे में सारी जानकारी आपकी पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।